एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टेली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टेली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है जीएसटी फॉर सर्विसेज। किसी भी सर्विस पर हम जीएसटी को कैसे लगाते हैं, टैली के अंतर्गत हम सर्विसेज पर जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आज की क्लास में मैं कम्प्लीटली आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी पिछली वीडियो जो जीएसटी रिलेटेड हैं उसको आप ज़रूर देख लेंगे, बिकॉज उसमें हमने कम्प्लीट जीएसटी की के बारे में बताया हुआ है। कई सारी वीडियोस हैं हमारी जीएसटी से रिलेटेड, जिसको आप सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उसमें हमने आपको जीएसटी क्या है, जीएसटी की हिस्ट्री क्या है, जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं, जीएसटी स्लैब रेट क्या है, जीएसटी लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जीएसटी वाउचर्स हम कैसे करते हैं, किसी भी आइटम को हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो कंप्लीट मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो पिछली वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक मैंने आपको जीएसटी किसी आइटम को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो उस पर जीएसटी कैसे डिडक्ट करता है ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, और आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि हम कोई भी सर्विस परचेज करते हैं या सर्विस को हम सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी कैसे डिडक्ट करता है, उसको टैली में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आज मैं कम्प्लीटली इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे तथा वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज यदि लास्ट तक आप नहीं देखोगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं वो आपसे छूट जाएंगे। टैली से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करना आप ना भूलें। एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेरे इसी चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड कई कोर्सेज चल रहे हैं इस समय, जैसे मैं CCC के लिए भी वीडियोस डाल रहा हूँ और बेसिक कंप्यूटर बेसिक कोर्स की वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा और आपको उसका नॉलेज आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टैली में हम सर्विसेज पर जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कंप्लीटली हम देखते हैं। आप देख पा रहे हैं हम टैली के मेन विंडो गेटवे ऑफ टैली पर अवेलेबल हैं। हमने एक कंपनी यहाँ दे रखी है, बिकॉज मैं आपको एज एग्जांपल कंप्लीटली बताऊंगा। यहाँ एक कंपनी है जिसमें जिसका नाम है KCI टेक्निकल सपोर्ट सेंटर, जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी पार्टी को या किसी कंपनी को, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हम इसमें कुछ आपको सर्विसेज परचेज करके तथा कुछ सर्विसेज को सेल करके हम बताएंगे कि उस पर सर्विसेज पर जीएसटी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम जीएसटी को एक्टिवेट करते हैं, हम फीचर्स पर जाते हैं, आई F11 पर क्लिक करते हैं, फीचर्स F11 करें या हम फीचर्स पर बटन बार में फीचर्स पर क्लिक करें, या हम स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर जाते हैं, यहीं हम यस प्रेस कर दें तो डायरेक्टली स्टेटरी एंड टैक्सेशन विंडो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसा कि इस कंपनी में पहले से इसको एप्लीकेबल कर चुका हूँ बट आपको कम्प्लीटली हमें बताना है। तो इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे पिछली क्लासेस में मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्टिवेट किया हुआ था, सेम उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर यस करते हैं, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हम यहाँ से भी यस कर लेते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल क्या है, सेट करना मतलब जीएसटी को कन्फिगर करना, सेट करना उसके रेट्स डिटेल को सेट करना, अल्टर का मतलब होता है उसमें कोई भी सुधार करना, कोई भी परिवर्तन करना, यस करते हैं। यहाँ हमने सारा कुछ कन्फिग्रेशन दे रखा है, हम यहाँ से डिटेल्स में जीएसटी डिटेल को एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। इसको मैंने डीपली पिछली वीडियोस में बताया हुआ है तो आप वहां से देख लेंगे। एंटर करते हम आते हैं सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल में, हम यहाँ नो करके रखते हैं, बिकॉज हम जैसी सर्विस प्राप्त कर रहे हैं या जैसी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जो रेट डिडक्शन हमें देना है वो हम उस सर्विसेज पर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं देते हैं। अगर हम यहाँ दे देंगे तो हम किसी एक सिंगल रेट पर ही वर्क कर पाएंगे। कंट्रोल ले करके हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं, हम बैक करके आ जाते हैं। अब हम वाउचर करने से पहले हम आपको दिखा दें, हमने सारे लेजर्स यहाँ क्रिएट कर रखे हैं जो सर्विसेज हमें प्राप्त करनी है या जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। हम आपको यहाँ अल्टर कर, चूँकि पिछली वीडियोस में हमने सारे लेजर्स क्रिएट करना, आपको एक लेज़र का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें हमने जीएसटी से रिलेटेड लेज़र को हम कैसे क्रिएट करते हैं मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पिछली वीडियोज़ हमारी ज़रूर देख लेंगे जो जीएसटी से रिलेटेड है। हम यहाँ आपको अल्टर करके एक बार दिखा देते हैं कि हम कैसे लेजर्स को सर्विसेज लेजर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हम बना लेते हैं एक टेलीफोन एक्सपेंस, या एंटर करते हैं। टेलीफोन बिल जो होता है वो मंथली पे किया जाता है, इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा,
यहाँ स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ इसको यस करके यहाँ पर हम जीएसटी डिटेल्स को हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर हम रेट प्रोवाइड करेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम परचेज टैक्सेबल प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेटेड में हम 18% देंगे। आप देखें टैक्सेबिलिटी के अंतर्गत टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स और टैक्सेबल में उसका रेट है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है, सी जी एस टी और एस जी एस टी का मिश्रित रूप होता है। 18% दे दिया तो 9% सी जी एस टी और 9% एस जी एस टी में बट गया। टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विसेज करते हैं, चूंकि हम सर्विस टैक्स करने जा रहे हैं, सर्विस हम परचेज कर रहे हैं या सर्विस को हम सेल कर रहे हैं, हम एक और बना ले रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हम बिजली का बिल भी भरते हैं, तो यहाँ से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया, ये भी हम मंथली ही भरते हैं, यहाँ से एप्लीकेबल किया, यहाँ यस करके यहाँ पर हम जीएसटी डिटेल में जा करके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने परचेज टैक्सेबल कर लिया। टैक्सेबिलिटी टैक्स टाइप क्या है और टैक्सेबल में रेट क्या है वो आप देखें, यहाँ इंटीग्रेटेड में मैंने 18% दे दिया जो 9% सी जी एस टी और 9% एस जी एस टी में डिडक्ट होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हमने सर्विसेज कर लिया, हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से हम पार्टी भी क्रिएट कर ले रहे हैं, हमने बी एस एन एल, जबकि हम जो टेलीफोन सर्विस प्राप्त कर रहे हैं वो हम बी एस एन एल से ले रहे हैं, तो यहाँ बी एस एन एल को सेंड रिक्रेटर में डाल दिया। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, यदि हम टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं डालते हैं, किसी भी पार्टी से हम सर्विस ले रहे हैं या माल खरीद रहे हैं, तो यदि हम उसका डिटेल यहाँ नहीं डालेंगे तो जीएसटी डिडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पैन नंबर डाल दिया, टाइप रेगुलर में कर दिया, जीएसटी दे दिया, यहाँ पर हमने इसको यस किया, एक्सेप्ट करा लिया, एंटर कर लिया। सेम इसी तरीके से हम जहाँ बिजली का बिल के लिए हम UPPCL का लेज़र हमने बना रखा है, उसको भी मैं अल्टर करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हम बनाते हैं। अल्टर करना सुधार करने के लिए, या हम बनाते हैं तो भी स्टेप वही स्टेप्स हमें करने होते हैं। तो यहाँ अंडर में सेंड रिक्रेटर हो गया, एंटर करते हुए हम आते हैं अपने ही स्टेट में, विद इन स्टेट वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ अपना स्टेट कंट्री और स्टेट डाल दिया हमने। ये कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह अगर हम डालना चाहते हैं डालें, इसके लिए मैंने डीपली पिछली क्लासेज में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। इसमें भी मैंने पैन नंबर दिया, जीएसटी वगैरह प्रोवाइड किया, यहाँ से सेटल्ड जीएसटी डिटेल को यस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हम एक पार्टी बना लेते हैं जिसे हमें सर्विस देना है, एन के ट्रेडर्स हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, नेम में एन के ट्रेडर्स हो गया, हम सर्विस देंगे तो सेंडिडेटर हो गया। एंटर करते हुए आते हैं, विद इन स्टेट ही वर्क है। हम एक एक्सपेंसेस का लेज़र यहाँ से बना करके देख लेते हैं, नेम में है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, डायरेक्ट इनकम मैंने किया है अंडर में, बिकॉज तुरंत अगर हम जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं और तुरंत हम अमाउंट प्राप्त कर लेते हैं, सर्विस चार्ज ले लेते हैं, तो वो डायरेक्ट इनकम में जाएगा, अन्यथा अगर ये मंथली में प्राप्त होता है तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। यहाँ से हम यस कर लेते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल कर लिया, सेटल्ड जीएसटी डिटेल में हम यहाँ यस करेंगे, और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, चूंकि सर्विस को हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल करेंगे, टैक्स डिटेल में हम आएंगे, टैक्सेबिलिटी एंड टैक्सेबल है, टैक्सेबिलिटी के अंतर्गत टैक्स टाइप, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स, सेल्स सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स है, सेस है, सेस होता है उपकर, बस सेस हमें देना नहीं है। रेट में हमने 18% डाल दिया जो एक्सेप्ट किया। हमें सेल्स परचेज का भी लेजर क्रिएट करना है, जो कि पहले से मैं बना चुका हूँ। इसमें आप देखें परचेज में क्या है, परचेज में परचेज अकाउंट करते हुए यहाँ हम यस करेंगे, यहाँ हम रेट नहीं देते, जिससे हम अलग अलग रेट पर परचेज को यूज़ कर पाए। सर्विसेज कर लिया, सेम इसी तरीके से आपका सेल्स का होगा, सेल्स पे हम देख लें सेम वैसे ही इसको क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब हम बाउचर करके आपको दिखाएंगे, बाउचर करने के लिए हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। फर्स्ट हम आपको सर्विस परचेज करके दिखाते हैं कि सर्विस परचेज करके हम जीएसटी कैसे लगाते हैं। एक विशेष ध्यान देना होगा आपको, वाउचर को आपको यहाँ एज अ अकाउंट इनवाइस मोड में रखना होगा। मान लीजिए हम BSNL से सर्विसेज ले रहे हैं, जो भी इनवाइस नंबर है वो हम यहाँ डाल देंगे, BS-012 मैंने कर दिया, डेट डाला, यहाँ हमने BSNL किया, BSNL से हमें सर्विसेज लेनी है, जो हमारा एक्सपेंस बन रहा है टेलीफोन एक्सपेंस हम यहाँ देंगे, सर्विस हम परचेज कर रहे हैं और उसका हमारा टेलीफोन एक्सपेंस कितना हुआ, मान लीजिए 2500 आता है, 2500 आ गया मेरा। एंटर करेंगे, हम यहाँ पर सी जी एस टी देंगे, सी जी एस टी 9% और एस जी एस टी 9%, इस तरह से हम एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ 8 प्रेस कर देंगे
और यहाँ Alt प्लस F1 कर देंगे तो हमें टैक्स एनालिसिस आ जाएगा कि हमने जो सर्विस परचेज किया है टेलीफोन का VSNL से, उस पर 450 रुपये कुल हमारा GST लगा हुआ है, जिसमें CGST आपका 225 और SGST आपका 225 है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा, अगर हम बैक करके देखेंगे, 2950 रुपये, जबकि हमारा जो टेलीफोन एक्सपेंस है 2500 है, उस पर 450 रुपये आपका GST चार्ज हुआ है, जो सर्विस GST है, कुल मिला करके आपका 2950 रुपये हुआ। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ हम चलते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक सर्विस और ले रहे हैं, उसका भी हम उस चेक उसको भी करके दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमें देना होता है। UPPCL को हम देते हैं, हम यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पर हम UPPCL यूज़ करते हैं, हम यहाँ एंटर करते हुए आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम इसको देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है मान लीजिए 5000 रुपये आ रहा है, एंटर करते हैं, CGST हम देते हैं इसमें और SGST देते हैं। इस तरह से हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इसकी बिल हम देखें तो परचेज बिल है, एक्सेप्ट कर लिया, पेजअप करके हम बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी करेंगे तो बिल भी हमारे सामने आएगी। आप अल्ट जेड करके आप देखेंगे, बिल में इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट प्लस आपका टैक्स अमाउंट शो कर रहा है, आपका इनवाइसेज में UPPCL डिटेल है और आपकी कंपनी का डिटेल है, सारा कुछ डिटेल आपके सामने है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर फुल अमाउंट, टोटल अमाउंट आ गया आपका। तो इस तरह से आप बिल भी प्रिंट कर सकते हैं, परचेजिंग सर्विसेज का बिल भी आप प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो हमने अभी वर्क किया है, तो हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे। देखिए करेंट लाइबिलिटीज में 7500 दिखा रहा है, टैक्स अमाउंट जो अभी आपका यहाँ 1350 है, जब आपका टैक्स क्रेडिट में जो शो करता है वही आपका पेबल होता है, जब तक ये डेबिट में दिखाता है तो आपका पेबल नहीं रहता है, वो आपका रिफंडेबल होता है, आपको प्राप्त करना होता है, कैरी फॉरवर्ड करना होता है। हमारा जो पेबल अमाउंट है कुल 8850 है, ये हमें पार्टी को पे करना है, मतलब अपना व्हील चार्ज और अपना टेलीफोन चार्ज हमें पे करना है, इतनी लाइबिलिटी है। हम चलते हैं, पहले हम सेल भी कर लेते हैं, हमारी जो सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं जिसका हमारा बिजनेस है, तो हम NK टेलीकॉम को सर्विसेज को सेल कर रहे हैं सर्विस, हम यहाँ देते हैं NK ट्रेडर्स है, सॉरी NK टेलीकॉम नहीं, NK ट्रेडर्स, NK ट्रेडर्स को हम सर्विस सेल कर रहे हैं। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम सर्विस क्या सेल करते हैं, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, हमारा बिजनेस है टेक्निकल सपोर्ट का, तो हम टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसका हमारा अमाउंट जो है, फी जो बना हमारा 15000 रुपये बना, इस पर हम देते हैं CGST, CGST है 1350 हो गया और SGST 1350। आप जानते हैं अगर 18% है तो 9% आपका CGST SGST होगा, अगर यही IGST अगर हम अदर स्टेट से कर रहे होते तो यहाँ IGST डायरेक्टली जो आपका है 2700 रुपये हो जाता डायरेक्टली। एंटर करेंगे, यहाँ करके एंटर करके आप देखेंगे, टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ ए करेंगे, अल्ट F1 करेंगे आप तो आपका यहाँ टैक्स एनालिसिस प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज का 15000 पर 2700 रुपये आपका टैक्स हुआ, जिसमें वो टैक्स डिवाइड हुआ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में 1350 1350, कुल 2700 आपका टैक्स हुआ। हम यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ से तो मैंने बिल नंबर दिया हुआ है, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अगर हम इस बिल को प्रिंट करके दिखाना चाहते हैं तो पीजअप करेंगे, हमें बिल देना है तो हम ही अल्ट के साथ पी करेंगे और बिल प्रिंट होकर के आएगा आपका। आप देखें आपका ये टैक्स इनवाइस आया है आपके सामने, आप देखें टैक्स इनवाइस में KCI टेक्निकल सपोर्ट, जिस कंपनी ने टेक्निकल सपोर्ट दिया है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की है, हमारी कंपनी जो है, जो हमने प्रोवाइड किया है वायर को, NK ट्रेडर्स को हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो टेक्निकल चार्ज हुआ हमारा 15000 रुपये हुआ, जिस पर CGST और SGST जोड़ करके कुल 17700 रुपये हुआ। देखें 1350 CGST और 1350 SGST, तो कुल मिलाकर के 17700 रुपये हुआ, जो वर्ड्स में आप देखें तो इन 17700 ओनली लिखा हुआ है। यहाँ आपका SAC कोड अगर हमने दिया होता यहाँ शो करता,
टैक्सेबल वैल्यू जो है पूरा 15,000 रुपये है, जिसमें सेंट्रल टैक्स आपका है 9%, 1,350, स्टेट टैक्स है 9%, 1,350, टोटल अमाउंट है 2,700, कुल आपका टोटल देखें तो 17,700 हुआ, जो आपका कंप्लीट आपको रिसीव करना है यानी के ट्रेडर से। आपने बिल देखा, प्रिंटर से हम डायरेक्टली ऐसा ही बिल प्रिंट कर लेते हैं, हम बैक करके आ जाते हैं। और अब हम क्या करते हैं, हम आपको एक बार फिर से रिपोर्ट दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट में आते हैं। रिपोर्ट के लिए हम बैलेंस शीट में टैक्स को अगर हम अंदर जा करके चेक करना चाहें तो डिस्प्ले में जाएं, और यहाँ पर आपका स्टेटरी रिपोर्ट होता है, यहाँ से भी हम जीएसटी रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। GSTR2 में आपको रिपोर्ट मिलेगा, और जो आपने टैक्सेबल अमाउंट है आपका, जो आपने परचेज किया है सर्विसेज को, और यहाँ जा करके GSTR3 में जो आपने सर्विसेज सेल किया है उस पर जो आपका टैक्स लगा हुआ है टोटल यहाँ दिखा रहा है आपका। हम बैक करके आते हैं तो इतना अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंस शीट से ही अपना लायबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। जो टैक्सेबल अमाउंट आपका बन रहा है वो यहाँ शो करेगा। आप देखें क्रेडिट में आ गया 1,350 रुपये, बिकॉज 1,350 हमें पहले हमारा डेबिट में था, अब हमें 2,700 जस्ट डबल मिल गया, तो वो 1,350 हमारा बराबर हो गया और 1,350 एक्स्ट्रा हुआ जो हमारा पेबल हुआ। हम कोई भी सर्विस, अगर हम सर्विस ले रहे हैं किसी से, उस पर हम सर्विस चार्ज दे रहे हैं, तो अगले को हम सर्विस बेच रहे हैं उससे जो हम सर्विस चार्ज या जो टैक्स ले रहे हैं, तो हमारा दिए हुए सर्विस टैक्स से हमारा जो प्राप्त हो रहा है सर्विस टैक्स उसमें डिडक्ट हो जाता है, फिर उससे जो बढ़ करके आता है वो हमारा पेबल होता है। तो आप देखें ये मेरा सेंड्री क्रेडिटर अमाउंट है, ये हमें पे करना है पार्टी को, या आपका जो UPPCL और BSNL को पे करना है। हम चलते हैं पेमेंट करके देख लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं, यहाँ से हम पहले पेमेंट को रिसिप्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से डबल मोड में कर लेते हैं वाउचर को, यहाँ से हम इसको नो कर देंगे। अगर हमें सिंगल एंट्री मोड में वाउचर को यूज़ करना है तो हम यहाँ पर यस रखते हैं, और अगर हमें डबल मोड में यूज़ करना है वाउचर को तो हम यहाँ पर नो करते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा हम तीन वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट एंड कंट्रा वाउचर को सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीन वाउचर सिंगल और डबल दोनों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने नो किया, एक्सेप्ट करा, यहाँ से कंट्रोल ए करके हमने इसे सेव कर लिया। CR में हमें पेमेंट रिसिप्ट करना है, तो देने वाला कौन हो जाएगा, यानी कि ट्रेडर्स जिसे हमने सर्विस प्रोवाइड किया है, इनको कुल देना कितना है 17,700 रुपये, जिसमें आपका सर्विस GST इंक्लूडेड है। एंटर करेंगे, DR में हमारा कैश हो जाएगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम पेमेंट करते हैं, दो पार्टी को हमें पेमेंट करना है, तो हम चाहे इकट्ठा पेमेंट कर लें चाहे अलग अलग करें। तो पहले हम BSNL को कर लेते हैं, 2,950 रुपये पेमेंट हमें करना है, टोटल अमाउंट एडजस्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। CR में कैश व्यापार से जा रहा है, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ कैश दे दिए, एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम UPPCL में जो अपना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, बिल है, वो हम पे कर रहे हैं, वो अमाउंट हमारा कितना है 6,900 रुपये है, एंटर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और यहाँ से जा करके हम कैश कर देते हैं, कैश व्यापार से जा रहा है। तो इस तरह से हमने टोटल पेमेंट कर दिया। अब हम चलते हैं चेक करते हैं बैलेंस शीट में कि लायबिलिटी में मेरे अब प्योर केवल हमारा जो सर्विस टैक्स, जो हमारा GST पेबल है, वही शो कर रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखें तो आपका ये 1,350 रुपये, 675 CGST और 675 SGST पेबल में है। मैंने आपको बताया कि जब बैलेंस आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट क्रेडिट में आ जाता है तो आपका टैक्स पेबल हो जाता है। तो टैक्स पे करने के लिए हम टैक्स डिपार्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको जमा करते हैं। तो हम यहाँ से पेमेंट करके आपको दिखाते हैं, यहाँ जा करके सेटिंग में यहाँ से यस करा और इस सेटिंग को एक्सेप्ट करा, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट में हमारा कैश हो गया, और उससे हम पेमेंट कर रहे हैं अपना क्या CGST, 675 रुपये CGST है तथा 675 रुपये हमारा SGST है जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को, 675 एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके यहाँ से ओके करें। इस तरह से बिल पेमेंट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं
बैलेंस शीट में आकर के देखते हैं तो आप देखिए लायबिलिटीज में आपके पास कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है, कोई भी पेबल अमाउंट नहीं बचा हुआ। तो इस तरह से हम सर्विसेज को परचेज करते हैं तो उस पर जो हम सर्विस टैक्स देते हैं, या हम सर्विसेज को बेचते हैं तो उस पर हम सर्विस टैक्स कैसे देते हैं, कंप्लीटली आपने इस वीडियो में देखा। आपने विल कैसे प्रिंट करना है, विल का कंप्लीट नॉलेज आपको हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें, इसको रिपीट करके देख लेंगे। एक से दो बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।